नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में जहां ऋषि ने लिया है इस समय लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला। आप लोग जानते ही हैं कि इस खबर को सुनने के बाद में इस समय मलिष्का बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही कि चलो फाइनली ऋषि और लक्ष्मी अलग अलग तो हो चुके हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि तुम्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आयुष सबसे ज़्यादा तुमसे खपा चल रहा है और आयुष को पता है कि कब क्या कैसे करना है। जी हाँ, क्योंकि नीलम और इस समय ऋषि ज़्यादा खपा नज़र आ रहे हैं लक्ष्मी से, लेकिन आयुष को तो पता है कि लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है। इन सब में एक ही शख्स इन्वॉल्व हो सकता है, वो है मलिष्का। और दोस्तों, मलिष्का इस समय खुश तो हो रही है, लेकिन उसकी खुशी कितनी देर की है वो देखने लायक दिलचस्प नज़ारा होगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर ऋषि इतना गंदा बिहेवियर कर रहा है लक्ष्मी के साथ में, ये वो ही लक्ष्मी है कि जिसने हमेशा ऋषि की फैमिली का साथ दिया है। उसी ऋषि ने ये बोल दिया है कि लक्ष्मी तुम मेरे लिए मनुष हो, मेरे परिवार के लिए मनुष हो, यानी कि इतनी गंदी भाषा बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि जिसकी किसने शायद कल्पना भी ना की हो। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहते हैं कि हर एक चीज़ का अपना एक पहलू होता है, और इस समय कई और भी चीज़ देखने को मिल रही हैं। जल्दी ही ये भी देखने को मिलेगा किस तरीका से ऋषि यहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ भी नज़र आएगा कि मैंने सपने में सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरीका से लक्ष्मी को जलाल थोड़ी जिंदगी देनी पड़ेगी और मुझे अपने घर से निकलना होगा लक्ष्मी को। लेकिन दोस्तों, करना भगवान का होता है, और होता वही है जो भगवान चाहता है, क्योंकि दोस्तों जल्दी ही आखिरकार लक्ष्मी भी अपना फैसला सुनाती हुई नजर आएगी कि ऋषि ठीक है, जो आपने किया है मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा समय बदलता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि अगर उसका समय ठीक है तो इंसान ठीक है, लेकिन अगर समय ही ठीक नहीं है